हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप पढ़ने वाले हैं जो आज कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र का पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर हुआ है उसके आप जो भी ऑब्जेक्ट पूछे गए थे, सही विकल्प, खालिस्तान, सही जोड़ी, सत्य सत्य, सब चीज़ का सॉल्यूशन आप देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सही विकल्प से शुरू करते हैं। तो पहला सही विकल्प आया था नेहरू लियाकत समझौता कब हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये 1950 में हुआ था। तो 1950 इसका राइट आंसर था। फिर इसके बाद दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कहा गया था गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। चार ऑप्शन थे, हवाना, रूस या फिर ब्रेलग्रेड या फिर नई दिल्ली। तो इसका ब्रेलग्रेड इसका राइट आंसर था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, ब्रेलग्रेड में हुआ था, जे इसका राइट आंसर हो जाता। फिर इसके बाद देखते हैं ऑपरेशन विजय संबंधित है। तो यहाँ पे ऑपरेशन विजय, चार ऑप्शन थे, भारत पाक युद्ध या बांग्लादेश का युद्ध हुआ था या भारत चीन का युद्ध या फिर जो है कारगिल युद्ध। तो ये कारगिल युद्ध से संबंधित है, ऑपरेशन विजय जो है कारगिल युद्ध से संबंधित था ऑपरेशन विजय। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन था कि यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की बात की गई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो फिर देखते हैं जो तीसरा क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन, ये संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की चर्चा चार्टर के किस अनुच्छेद में की गई है। यदि आप प्रमुख अंग पूछे जाते तो प्रमुख अंग 6 होते हैं, लेकिन उनकी किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है, 7वें अनुच्छेद में चर्चा की गई है। यहाँ 6 लगाना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख अंग होते हैं वो होते हैं 6, लेकिन उनकी अनुच्छेद किस में व्याख्या की गई है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 7 में उनकी व्याख्या की गई है। तो इसका तीसरा नंबर राइट आंसर हो जाता। फिर आधुनिकीकरण का लक्षण नहीं है, अशिक्षा इसका लक्षण है, सार्वभौमिकता भी है, परिवर्तन क्षमता भी है, लेकिन समानता इसका लक्षण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या लिखना पड़ेगा, समानता। तो पहले का आंसर 1950, दूसरे का ब्रेलग्रेड, तीसरे का जो था कारगिल युद्ध 1999, फिर चौथे का यदि हम देखें तो अनुच्छेद 7 और पांचवे का था समानता। इसके बाद हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन था ड्राफ्टिंग समिति के चेयरमैन कौन थे। तो ड्राफ्टिंग समिति के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो पहले का हो जाएगा कि ड्राफ्टिंग समिति के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर इसके बाद जो था आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस कब होता है, तो स्थापना दिवस जो इसका था ये था 1953। तो इसका राइट आंसर आपको लिखना होगा 1953, 1953 है इसका स्थापना वर्ष, ठीक है। फिर इसके बाद जो है अगला था चकमा शरणार्थियों की समस्या भारत और किस देश के बीच हुई थी। तो चकमा शरणार्थियों की समस्या भारत और बांग्लादेश के बीच हुई थी, तो यहाँ भारत और बांग्लादेश वरना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाता बांग्लादेश। फिर इसके बाद संयुक्त राष्ट्र की कुंजी को खालिस्तान कहा जाता है। तो यहाँ संयुक्त राष्ट्र की जो कुंजी होती है उसे सुरक्षा परिषद कहा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र की कुंजी को क्या कहा जाता है, सुरक्षा परिषद। फिर इसके बाद वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में खालिस्तान का जन्म होता है। तो इसमें जो है व्यापार का या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आप दो वर्ड भर सकते हैं, या तो व्यापार का जन्म होता है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, लेकिन हम इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भर रहे हैं, व्यापार भी आप भर सकते हैं। तो फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जन्म होता है। तो पहले का राइट आंसर हो गया, भीमराव अंबेडकर थे चेयरमैन। फिर जो आंध्र प्रदेश का स्थापना वर्ष क्या, 1953 है, और चकमा शरणार्थी भारत और बांग्लादेश के बीच है, और जो संयुक्त राष्ट्र की कुंजी को क्या कहा जाए, सुरक्षा परिषद कहा जाता है, वैश्वीकरण से जो क्या उत्पन्न होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पन्न होता है। फिर इसके बाद देख लेते हैं प्रत्येक का एक वाक्य में उत्तर दीजिए या एक शब्द में भी आप उत्तर दे सकते हैं। तो एक वाक्य में लेकिन कहा गया है तो पूरा वाक्य ही बना के लिख दें, एक शब्द में भी दे दिया तो भी कोई बात नहीं। देखते हैं पहला क्या है, संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश से लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर जो था वो था आयरलैंड, आयरलैंड देश से लिए गए हैं, ठीक है। तो आयरलैंड इसका राइट आंसर आपको लिखना होगा कि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उन्हें आयरलैंड से लिया गया है संविधान के। फिर इसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे इसके आंसर दो हैं, दो में से आपने जो भी लिखा हो दोनों सही हैं।
एक तो आंसर एस के दर बताया गया जी प्रथम थे, और एक और आप लिख सकते हैं फजल अली यदि जिनने लिखा है वो भी बिल्कुल राइट है, क्योंकि इनको भी अध्यक्ष बनाया गया था। अब जे नहीं पूछा है कि प्रथम या फिर कौन थे, तो यहाँ पे एस के दर लिखा है वो भी सही है, और फजल अली लिखा है तो वो भी सही है। ठीक है, फिर इसके बाद देख लेते हैं कि आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आसियान का जो मुख्यालय है वो पता होना चाहिए इंडोनेशिया में है, ठीक है ना, इंडोनेशिया में स्थित है, और ये भी आप बता सकते हैं इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है, ठीक है ना, या जकार्ता अकेला लिख देते या इंडोनेशिया अकेला लिख देते या इंडोनेशिया जकार्ता में स्थित है। फिर इसके बाद अगला था चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया। अब यहाँ पे देखिए आक्रमण तो बहुत सारे किए हैं, लेकिन आप यदि 1962 जो पहले वाला आक्रमण लिखते हैं तो वो ही सही उत्तर हो जाएगा। 1962 में चीन ने पहली बार भारत पे आक्रमण किया था। फिर इसके बाद पूछा गया था कि आर्थिक उदारीकरण क्या होती है, या आर्थिक उदारीकरण की परिभाषा लिखिए, या उससे क्या आशा है। इसमें आप कुछ भी लिख दीजिए, क्या है वो भी लिख सकते हैं, या फिर उसकी एक डेफिनेशन आपको पता हो, ठीक है, या क्या कहलाती है, जो भी चीज़ आपको पता हो वो चीज़ आप इसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा है कि आर्थिक उदारीकरण, ठीक है ना, जो भी आंसर में हमें लिखना चाहिए था कि आर्थिक उदारीकरण का आशय है, ठीक है ना, हमने यही आंसर आपको बताएंगे कि यही आंसर लिखा है तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आर्थिक उदारीकरण का आशय है प्रतिबंधों को समाप्त करना, ठीक है ना, प्रतिबंधों को समाप्त करना, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हमने प्रतिबंधों को समाप्त करना, जे इसकी डेफिनेशन लिख दी हमने कि प्रतिबंधों को समाप्त करना क्या कहलाता है, आर्थिक उदारीकरण कहलाता है। तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं प्रतिबंधों को समाप्त करना आर्थिक उदारीकरण कहलाता है, या फिर आर्थिक उदारीकरण का आशय प्रतिबंधों को समाप्त करने से है, जे इसका राइट आंसर। तो पहले का क्या हो गया, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, एस के दर भी आप लिख सकते हैं या फजल अली भी लिख सकते हैं, और आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है, इंडोनेशिया जकार्ता में है, और चीन ने भारत पे कब आक्रमण 1962 में किया था, आर्थिक उदारीकरण की परिभाषा पूछी गई। इसके बाद देखें सत्य असत्य देखेंगे, तो यहाँ पे सत्य असत्य की यदि हम बात करें तो पहला पूछा गया था नीति आयोग की स्थापना 2016 में हुई, ये तो गलत है, नीति आयोग की 2015 में हुई थी, मतलब ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत, मतलब असत्य हो जाएगा। फिर अलगाववाद ने देश को कमजोर बनाया है, ये बिल्कुल सही है, सत्य है कि अलगाववाद जो है देश को कमजोर बना देता है। फिर इसके बाद जो था भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास जो है 1980 से माना जाता है, तो ये आंसर यहाँ पे गलत है, 1980 से नहीं माना जाता है। फिर इसके बाद जो है भारत ने सन 1974 में पोखरण में पहला परमाणु विस्फोट किया था, तो ये बिल्कुल सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो केवल हम कहेंगे कि पहला और तीसरा बस आंसर गलत है यहाँ पे, मतलब ये दोनों असत्य हैं, बाकी दूसरा चौथा पांचवा तीनों आंसर सत्य हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में आया था सही जोड़ी बनाइए, तो सही जोड़ी बनाइए इसमें देख लेते हैं पंचशील की घोषणा कब की गई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए 1954 में की गई थी, तो पहले का राइट आंसर 1954। आप दूसरा देखते हैं विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, 1944 या 1945, जो भी आपको दिया जाता 1945 दिया गया तो यही सही है, वरना 1944 में हुई थी। फिर इसके बाद देखते हैं सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये काठमांडू जो है वहाँ पे बनाया गया सार्क का मुख्यालय। फिर संयुक्त राष्ट्र का जो संविधान है इसको चार्टर में बताया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्टर। और फिर वैश्विक ग्राम का जो निर्माण है वो क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है, तो पांचवे का क्या हो जाएगा, वैश्वीकरण। तो पंचशील की घोषणा जो है 1954 में की गई, विश्व बैंक की स्थापना 1945 या 44 आप कह सकते हो, और सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में है। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र का जो संविधान है वो चार्टर में बताया गया था, और फिर वैश्विक ग्राम का निर्माण जो है वैश्वीकरण की क्रिया से संबंधित होता है, तो ये हो जाती है सही जोड़ी। इस प्रकार से आपको जो है कितने नंबर मिलते हैं ऑब्जेक्ट में हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताइए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।